आज का वीडियो HTML टैग ट्यूटोरियल सीरीज का वीडियो नंबर 12 है और आज हम बेस टैग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। ये मैंने वेबसाइट का मेरा एक फोल्डर बना लिया है ये, और इसके अंदर लैंग्वेजेस, मीडिया और स्टाइल शीट और index.html ये फाइल्स रहती है। index.html ये हमारा क्रोम पे डिस्प्ले होने वाला फाइल है HTML का, और मीडिया के अंदर हमारे ऑडियो क्लिप्स, इमेजेस एंड वीडियोस रिकॉर्डेड जो है वो हम डाल सकते हैं। वापिस आते हैं और यहाँ पे लैंग्वेजेस है, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रखते हैं। के अंदर इमेज के फोल्डर में हमारे पास दो इमेजेस हैं, ये दो इमेजेस आज हम डिस्प्ले करने वाले हैं बेस टैग की मदद से। हम इमेज लेते हैं, एक इमेज लेते हैं। पहले हमारी इमेज का नाम था 123 डॉट पीएनजी फॉर्मेट में, तो हम पीएनजी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमने लोकेशन दिया ही नहीं है, हमने इमेज को लोकेशन दिया ही नहीं है। तो हम अभी वो लोकेशन डालते हैं। यहाँ पर हमारी इमेज डिस्प्ले हो चुकी है, अब हम सेकेंड वाली इमेज के लिए जाते हैं। ओके, इमेज के लिए उसका भी एड्रेस से मैं बस नाम चेंज है। ओके, तो हम यहां से एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। नाम उसका है IPL1। तो आ गई है यहां पे। अच्छा, हम बेस टैग का यूज कर लेते हैं, उससे हमें पूरा लोकेशन नहीं डालना पड़ेगा। लोकेशन हम एक ही बार बेस टैग के अंदर डिफाइन कर देंगे तो फिर हमें लोकेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं वो भी। तो हेड टैग के अंदर हमें बेस टैग लगाना होता है। ये आ गया बेस टैग HREF के अंदर। अभी ये पूरा ये लोकेशन है यहां तक, ये हम इधर कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल। ओके, ये इधर आ गया लोकेशन। अभी हम ये पूरा हटा देते हैं। अब हम इमेज इंसर्ट करेंगे, सिर्फ नाम डालेंगे क्योंकि हमने लोकेशन यहां पे डिफाइन कर दिया है। ओके, लोकेशन यहां पे हमने डिफाइन कर दिया है पहले ही। इमेज और one.ng, देखिए यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो गई। अभी सेम हम दूसरी इमेज भी इंसर्ट करेंगे। इमेज आ गया, आ गई दूसरी इमेज भी यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे।